शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमास्तुते।
अरे इसी बात पे एक शेर याद आ गया यार। शेर कुछ ऐसा था कि हाँ बेकारी के जमाने में दिल छोटा हो गया और मैं मोटा हो गया और तुम बाल्टी से ड्रम हो गई, मैं गिलास से मोटा हो गया। हाय अर्जुन। तुम मुझसे छुपते क्यों फिर रहे हो? अरे कौन छुपता फिर रहा है, पार्टी में लोग कितने आए देखो ना अंजलि, वो लोगो सिन्हा जी वहाँ खड़े हैं। हाय वर्मा जी। अरे शर्मा जी क्या कर रहे हैं आप यार? हाय अंजलि। हाय हाउ आर यू? हाय शर्मा जी। आई एम सॉरी। विजय भैया तो शादी करके हनीमून मना के आ भी गए और आज पार्टी भी दे दी। अरे अब तो लाइन क्लियर है, मैं तो बोलता हूँ तुम भी अपनी शादी का बैंड बाजा बजा दो। अरे शादी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। अच्छा बड़ी चुस्की मारा लेकिन खुद तो आपने शादी की नहीं? नहीं की ऐसा मत बोलो, नहीं हुई बोलो ना, मैं तो छुकरी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा? इसीलिए तो रोज पार्टी में जाता हूँ चाहे कोई बुलाए ना बुलाए। अच्छा अब देखो ना आज की पार्टी में तुमने मुझे नहीं बुलाया फिर भी मैं आ गया ना। वही देख रहा हूँ, मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो। वही सोच रहा हूँ, बिजनेस छोड़ के यही काम शुरू कर। वो क्या, वो क्या नाम? नाम 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 इनका अंजलि है, मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी है। आप पीके शर्मा है? यू तो पीता नहीं है लेकिन आज जरूर पियेंगे। हाँ पीऊंगा लेकिन इनकी आंखों से। हाँ छोटा बनाओगे बड़ा? बड़ा बड़ा चलेगा। हाँ बड़ा बनाता हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा। आजा ख्याल रखेगी, जाओ ना। ओके 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 ओके, मैं आ रहा हूँ। आप लोग अंजलि जी वैसे पीने को तो सागर पी जाओ लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी आंखों में इतना नशा है। आप कहें तो आपके माँ बाप से अपनी शादी की बात चलाऊं। अर्जुन। अरे शर्मा जी कहाँ है? तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, वो तो शादी तक पहुँच गए। शादी तो मुबारक ना भाई। लेकिन ये दिल तो मैंने तुम्हें दिया है। हाँ। तुम कहो तो। आप कहें तो आपके माँ बाप से अपनी ए बच्चे की बात चलाऊं। कैसी बातें रिकॉर्ड करता है तू? माफ कीजिए मैम साहब, नौकर का बेटा होकर के मालिक की पार्टी में ऐसी हरकत करता है। ए, जाना दो बच्चा, स्कूल में जाना सुबह, चल निकल। अर्जुन मैं कह रही थी मैं और तुम। हाँ तुम्हारी और मेरी जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी। क्यों अर्जुन? बिल्कुल ठीक, और मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका, कुछ कहिए तो। एक्सक्यूज मी मिस्टर वर्मा। वर्मा? हेलो मिस्टर वर्मा। कैसी हैं अंजलि आप? मैं अच्छी हूँ। वर्मा से हाथ मिलाती और शर्मा को रुलाती है। जीजा जी एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। हाय विजय, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? माधु से पूछ लो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाय जेट्स। भाई वो कहाँ है? कौन? कानूनी और गैर कानूनी कार्यक्रमों का चक्रव्यूह चलाने वाले, वो कब है आने वाले? भाई देखो जब वकीलों को रंगीन कोट पहनने का मौका मिलता है तो टाई पहनते पहनते देर हो जाती है। यू आर राइट सेठ जी, मैं ये कोट की मैचिंग वाली टाई ढूंढ रहा था, मिली नहीं, और फिर देखा तो कोट की जेब से निकली। वो कहते हैं ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, वैसी बात होगी। मिस्टर लॉ आज आप बड़े ही रोमांटिक लग रहे हैं। अरे अर्जुन साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, रोमांटिक होने के तो इनके दिन है, क्यों विजय जी? अरे ये सब तो जीजा जी की मेहरबानी है जो इन्होंने मधु से हमारी शादी करवा दी। वैसे जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आप भाभी जैसी दो लड़के ढूंढते तो आपका क्या जाता, मेरा भला? आप फिक्र मत कीजिए अर्जुन साहब, हम आपके लिए बहुत ढूंढेंगे। क्यों मिस्टर लॉ, डोंट से, जस्ट डू इट। दो ढूंढिए, दो दो दो, दो शादियां करें। मेरा मतलब है कि एक मेरे लिए और एक जीत के लिए। अर्जुन जीत ऐसा मजाक मत करो प्लीज। जीत मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही तो क्या हुआ, जिंदगी का इतना लंबा सफर अकेले तो नहीं काटा जाता ना। मैं अकेला थोड़ी हूँ, निशा की यादें हैं मेरे साथ। लेकिन बेटे प्लीज डैडी प्लीज। ओके इट्स ऑलराइट भाभी, आई मीन भाप्स, मेरे लिए कोई चंगी कुड़ी ढूंढ लो। बता तो सही कैसी लड़की चाहिए तुझे? रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, जूही चावला माधुरी दीक्षित श्रीदेवी। नो द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, इतने सारे गुण एक कुड़ी में मुश्किल है। ढूंढनी तो पड़ेगी ना, मगर कैसे? अखबारों में छपवा दे, टीवी में खबर भिजवा दे, रिश्तेदारों को बता दे, तस्वीरें कुछ मंगवा दे, छपवा दे, भिजवा दे, बता दे, मंगवा दे। एक सोनी कुड़ी दिला दे, तुम नाच पर तेरे आगे नाच पर हो, अलग दिन नाच पर तेरे आगे नाच पर।
नचा 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 सपने में मैंने बिहारो एक लड़की को देखा आज बता दो कुछ ऐसी थी उसके रूप की रेखा मुस्कान माधुरी जैसी श्रीदेव जैसी चाल काजोल का अल्हड़पन था ऐश्वर्या जैसे बाल मेरा सपना भी तो सजा दे देवी जी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। छोड़ो ना फिर शुरू हो गए सुबह सुबह छोड़ो ना। अजी छोड़ना होता तो यूं पकड़ता ही क्यों? दरवाजा खुला है कोई देख लेगा तो? अजी देखते हैं तो देखने दो भगाकर थोड़ी ना लाया हूँ। नहीं मैंने कुछ नहीं देखा मेरी एक आंख बंद थी नहीं दोनों आंखें बंद थी एक आंख खुली थी नहीं नहीं तेरी तो बदमाश कहीं का पापा और अर्जुन भैया गार्डन में चाय पीने के लिए बुला रहे देखने वाले तो देख गए अब क्या डर वैसे बाकी सारी पप्पियां एडवांस मार्केट में बिजनेस नमस्ते नमस्ते इसीलिए मैं तुम्हें लंदन भेज रहा हूँ ताकि तुम वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर दो लेकिन पापा शिमला कार रेस तो साल में एक बार होती है ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अर्जुन हाय गुड मॉर्निंग बिग ब्रदर शिमला कार रेस चल रहे हो ना नहीं अर्जुन अरे समझा कर अर्जुन कल पार्टी में सागर साहब भी कह रहे थे कि ऑफिस में काफी सारे पेंडिंग काम पड़े हैं यार समझ रहा हूं दरवाजा खुला है कोई देख लेगा तो अजी देखते हैं तो देखने दो भगाकर थोड़ी ना लाया हूं ये रात की आवाजें दिन में कैसे ये आवाजें यहाँ से आ रही हैं। शरारती बदमाश तू सुधरेगा नहीं हमेशा ऐसी वैसी बातें टेप करता है आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं अभी पकड़ता हूँ मैं तुझे भैया भैया मैं देखता हूँ क्यों भाई
तूने फिर उल्टी सुलटी बातें टेप करना शुरू कर दी। इसे मत मारो। अरे कमाल करती हो भाभी, मैंने तो सिर्फ हाथ उठाया, मारा का इसे। और आप मेरा मतलब ये था कि इसे स्कूल जाने में देर हो रही है ना, जाने दो इसे। जाने दो, जा बेटा। दो, एक दो ना। चुप है, एक दो ना। मैंने रिवाइंड करके जो टेप किया वो निकालने तो दे। एक दो, स्कूल में सुनाएगा क्या? चल जा। थैंक यू। ये अच्छा नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए। अरे इसको सुनना ही था तो अपने कमरे में जाकर सुन लेता, या फिर मेरे कमरे में आकर मुझे सुना देता। और ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करता, पापा के कमरे में जाके पापा को सुना देता। और मालिक अगर सुन भी लेते तो उनका उठना बैठना सोसाइटी वालों के साथ है, और सोसाइटी वाले भी ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे। छोड़ो ना, दरवाजा खुला है, बदमाश तू नहीं सुधरेगा, इतनी दूर भागेगा मुझसे। अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा भैया एक सीरियस बात, शिमला कार रेस में चलो ना यार। नहीं, तुम कार रेस में नहीं जाओ। मगर क्यों? अगले महीने तुम्हें लंदन जाना है बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स शुरू करने। मुझे बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करना है, मुझे शिमला कार रेस में जाना है। नो कार रैली, नो शिमला। भाभी पापा को समझाओ ना। पापा जाने दीजिए ना। बहू देखिए, पापा भाभी ने पहली बार आपसे कुछ मांगा है, आप इन्हें मायूस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ हाँ भाई, बेटी ने पहली बार कुछ मांगा है, इसे मायूस थोड़ा ही करूंगा मैं। ओ यार, मैं शिमला रेस में जाऊंगा, मैं भाभी के लिए कप लाऊंगा। ओए भाभी, ओ दुनिया की सारी मीठी चीजें तेरे मुंह में, हलवा जलेबी लड्डू पेड़ा बर्फी मलाई मलाई सब कुछ सब कुछ। अच्छा, शिमला से आने के बाद कुछ दिनों के लिए तुम लंदन और स्विट्जरलैंड भी चले जाना। अरे वाह भाभी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। और जब लंदन जा ही रहे हो तो लगे हाथों 6 हफ्ते का बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी कराना। अरे वाह भाभी, आपके मुंह में काली मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, दुनिया की सारी मिर्चें पीसकर मैं आपके मुंह में डाल दूंगा। ओह नो मैन। देख भाभी, पहली बार तुझसे कुछ मांग रही है, इनको मायूस मत करना। अरे भाभी के लिए तो मैं जान की बाजी लगा दूं, भाभी जो कहेंगे मैं वही करूंगा। एंड शिमला, आई एम कमिंग टू यू। स्टार्टिंग पॉइंट टू बेस वन, कार रैली शुरू हो चुकी है, ओवर। नंबर 9 लीडिंग। हेलो, ब्यूटीफुल, क्या बच्चा है यार, ब्यूटीफुल। अरे अरे, आपने जितने वालों को ब्रेक लगवा दी, कम से कम बेस्ट ऑफ लगता बोलते जाइए। थैंक यू।
इस साल शिमला कार रैली जीतने वाले खुश नसीब नौजवान का नाम है मिस्टर आशुतोष कुमार। मुबारक हो। की बेटा सब भरा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल जरूर जीतूंगा मेरी जान। अरे बेटा सुनो सुनो सुनो, जरा ये देखो ये तुम्हारी टीचर है। पहले चॉकलेट दो। अच्छा बेटा देख लिया चॉकलेट। अच्छा बेटा अब ध्यान से देख के बताओ, ये तुम्हारी टीचर है। मैं नहीं जानता। बड़ा अच्छा लगा यार, मीठा भी लगा और खुशखबरी भी नहीं दी। अगर ऐसा प्रोडक्शन कंट्रोलर होगा तो ये शूटिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। आज मेरा शॉट है घोड़े और पीली गाड़ी का। घोड़े कल से मेरे सिर पे बंधे पड़े हैं, लेकिन गाड़ी अभी तक नहीं आई। न पीली गाड़ी है न गाड़ी लाने वाला। रिलैक्स जुल्तू साहब रिलैक्स, गाड़ी अभी आ जाएगी, रिलैक्स। जॉनी आ गया। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। जैसे बैराग में दिलीप कुमार आया था, जंजीर में अमिताभ बच्चन आया था, शोले में अमजद खान आया था, वैसे जॉनी आ गया। जॉनी मैंने तुमसे क्या मंगवाया था कुछ याद है? यस सर। जॉनी मेरा नाम, ड्यूटी मेरा काम, ये रही आपकी पीली साड़ी। पीली साड़ी? अबे मैंने पीली साड़ी नहीं पीली गाड़ी मंगवाई थी। सॉरी सर सॉरी सर, वो क्या है कि गाड़ी और साड़ी में जरा कंफ्यूजन हो गया। आई एम वेरी सॉरी सर। लगता है तुम आज शूटिंग कैंसिल करवा के रहोगे। जरूर सर। देखिए फिल्म इंडस्ट्री का नंबर वन प्रोडक्शन कंट्रोल रूम सर, कूली नंबर वन में गोविंदा का बिल्ला हो गया था, एक झटके में लाके दिया सर। मैं अभी गया, अभी आया सर। गाड़ी आपकी अभी लाया सर। गाड़ी प्रोड्यूसर साहब मैं कहता हूँ आज ये शूटिंग कैंसिल हो के रहेगी। रिलैक्स। तुम कल की तरह आज भी मेरी गाड़ी से टकरा जाओ। ब्रेक मार। ए कौन है यार बाहर निकल। अरे क्या कर रहा मार डालेगा। सॉरी मार डालेगा। ओए मिस्टर मृत्युदाता, अपने आप को राजा हिंदुस्तानी समझते हो जो कोयले की तरह इस खटारा गाड़ी से कुचलना चाहते हो? खटारा गाड़ी नहीं सर, पीली गाड़ी। पीली गाड़ी? अरे पीली हो या नीली, अगर मार लगती खून तो निकलता लाल। सर माफ कर दीजिएगा सर, दरअसल क्या इस लड़की की तलाश में मैं पागल हो गया हूँ, और इसमें आदमी थोड़ा बहुत अंधा हो ही जाता है ना, वरना इस पीली गाड़ी के नीचे मैं आपको पीली गाड़ी। आशुक को तलाश है, माशुक है, काम बन सकता है। ये क्या पीली पीली कर रहा है यार? ये भवरा गया है, पीली पीली है, इसने पीली है। अरे बेवकूफ, दो पहिया वाला होके चार पहिया वाले से भिड़ता है। जा अपने गोद लिए बाप से कह दे कि उस अहिन से वादे कन्या राधा के साथ तेरा रिश्ता नहीं कराऊंगा। लेकिन सर, सर आप रिश्ते करवाते हैं, मेरा मतलब आप शादियां करवाते हैं। तो फिर तो आप इस लड़की को जानते होंगे। मगर ये लड़की उस दादा के लायक नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे इसको मैं ये रिश्ता देख रहा हूँ। अरे इसको मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ यार। तो ढूंढो। नाम क्या है इसका? इसका नाम बिंदिया है। बिंदिया? हाँ। रहती कहाँ? इंडिया। इंडिया में तो हम सब रहते हैं, क्या ठोकर आया मतलब पर्वत के उस पार, बॉर्डर के इस पार। तो यार बैठो ना गाड़ी में, आओ मुझको ले चलो उसके घर। पंडित जाने को रिश्ता करवाने के लिए दूल्हे की जरूरत नहीं, मगर गाड़ी की जरूरत पड़े। अरे इस रिश्ते के लिए गाड़ी तो क्या, तुमको प्लेन दे सकता हूँ, हेलीकॉप्टर दे सकता हूँ यार। तुम तो अजीब पागल आदमी हो यार। हाय मेरा मतलब है तुम कितने दीवाने बन गए हो। अच्छा ये गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है। अब देख रहे, ये पंडित जानी गाड़ी में जाता है, धोती में रिश्ता करवा के लाता है, और शाम को पैकअप से पहले, मेरा मतलब है सूर्य अस्त के पहले, इस पीली गाड़ी का काम तमाम कर देता है। इस पीली गाड़ी से मेरे रिश्ते का क्या ताल्लुक है? मेरा मतलब है इस पीली गाड़ी के मालिक की ऐसी भूमिका बांधूंगा कि वो भी कहेंगे जानी ने क्या प्रोडक्शन संभाला है। प्रोडक्शन? प्रोडक्शन? ओ लगता है पंडित जानी बहुत आगे की बात कर रहा है। प्रोडक्शन? प्रोडक्शन? अबे ठीक से बात कर रहा है, इंप्रेशन जमाना है। बिंदिया की माँ चमत्कार हो गया, मैं तो कहता हूँ कन्यादान कर ही दो। इतने बड़े घराने का लड़का, ओ पैसे वाला, दिल वाला, नसीब वाला, ओ निर्मल, कोमल, सुशील, अरे जरा भी घमंड नहीं है, हीरा है हीरा, उसे कहो बैठो तो लेट जाता है, ऐसा लड़का कहाँ मिलता है। हा? कुछ ज्यादा बोल रहा है यार। सारी दुनिया के कार वाले एक तरफ और ये पीली गाड़ी वाला एक तरफ। अरे जिस गाड़ी में मैं आया हूँ ना, ऐसी गाड़ी में तो उसके कुत्ते बिल्लियाँ घूमते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ। क्या ठोकरा यार। अरे दूल्हे का फोटो क्या, मैं तो जीता जागता दूल्हा दिखा दूं आपको। अरे बिंदिया, अरे यहाँ कौन सा दूल्हा बैठा हुआ है, जरा घुंघटा उठा के चेहरा तो दिखा दे बालिके।
ब्यूटीफुल। तो बात पक्की? शर्म आ गई। हमारी तरफ से तो बिल्कुल पक्की। वाह वाह, बिंदिया की माँ, जैसा आपने कहा। अच्छा? जेट मंगनी पट दिया। ओ एक सोनी कुड़ी दिला दे, चक्कर मेरा भी चला दे। अरे ओए लाल बादशाह, पीली गाड़ी के सामने आके इतिहास बन रहा है क्या? अच्छा ड्रामाबाजी मत कर, ये बता के हो गया कि नहीं। क्या हो गया? रिश्ता। किसका? अरे सुबह तूने मुझसे रिश्ते की बात की थी ना। किसकी? कमाल कर रहा है यार, लड़की की। कौन सी लड़की? बिंदिया की। कौन बिंदिया? अरे ये बिंदिया यार। ये कौन है? अब तुम मुझसे पूछेगा मैं कौन हूँ? हाँ तो कौन है आप? कमाल करता यार, तू सुबह मेरी रिश्ते की बात करने के लिए मेरी गाड़ी ले गया था। मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ यार। क्या हो गया? याद आया, पीली गाड़ी। हाँ। शूटिंग के लिए। शूटिंग में? बात की नहीं मेरे रिश्ते की? क्या है कि वैसे फेकम बात किया था मैंने, क्या है कि वो शूटिंग के लिए पीली गाड़ी की जरूरत थी, तो आपसे ज्यादा झूठ बोल देता, माफ करना यार। झूठे मक्का, उठा के फेंक दूंगा नीचे में। सुबह से पता नहीं क्या क्या सोच रखा था मैंने, क्या क्या सपने देख लिए। सॉरी सॉरी जी, मैंने अपनी रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए झूठ बोला था। वैसे भाई, जॉनी भाई, डायरेक्टर साहब ने कहा है पीली गाड़ी के चार शॉट बाकी है, कल पीली गाड़ी फिर जरूर लेके आना। ये कार्ड रख लो, सुबह आके गाड़ी ले जाना होटल से। आप कमाल के आदमी हैं, मोहब्बत और इंसानियत क्या होती है वो आज मैंने जाना। साहब मैं भी वादा करता हूं, आज रात तक इस लड़की का पता नहीं लगा तो मेरा नाम भी जॉनी नहीं। आज से सारे काम एक तरफ और आपकी मोहब्बत का पैगाम एक तरफ। साहब जी, उसका नाम बिंदिया नहीं, पूजा है। पूजा? पूजा वाइल्ड फ्लावर हाउस के पास कॉन्वेंट कॉलोनी में रहती है। माँ बाप रिश्तेदार घर में कोई नहीं है, अड़ोस पड़ोस वाले उसके सब कुछ है। बस्ती में बड़ी इज्जत है, तारा रानी सेकंड हाई स्कूल में पढ़ाती है। सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है बस्ती वाले की मदद भी करती है, और शाम को दो घंटे डॉक्टर दस्तूरी के क्लिनिक में प्रैक्टिस करती है। और कुछ पूछना है? अरे यार जॉनी, जॉनी तूने मुझे उसके बारे में इतना कुछ बता दिया। जॉनी, अरे पूजा, मैं पूजा, मैं पूजा नहीं हूँ, मैं जॉनी हूँ। अरे पूजा को ऐसे गले लगाओ तो बात बने ना। अरे यार जानी, जब तूने उसका आता पता ठिकाना सब कुछ बता ही दिया है, तो आज नहीं तो कल उसको भी गले लगा ही लूंगा यार। पूजा, सिमला स्टोर से मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स ले आना। जी ठीक है, प्लीज ये पोस्ट कर देना। ठीक है। पूजा जी, मेरी बेटी का एडमिशन हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। कंग्रेचुलेशंस। मेरी बेटी डॉक्टर दस्तूरी से कहना है मेरा सोनू ठीक हो गया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। पूजा दीदी, मेरे लिए लाइब्रेरी से किताबें ले आना। हाँ हाँ। यारे देखते रह जाओगे, ये लो फॉर्मूला नंबर 22। और फिर लड़की को अपने प्यार में ब्लडी फूल बनाने के लिए रोज इस्तेमाल कीजिए ताजे और खुशबूदार लंबे छोटे फूल। ले लो दो फूल, कर दो गरम गरम फूल और कहो डार्लिंग कूल कूल कूल। फिर इससे पहले कि लड़की बस में चले जाए उसको बस में कर लो और कहो उससे, पूजा तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ। तुम्हारी खूबसूरती से फूल भी शर्मा जाएंगे। ऊपर हाँ। वाला जब आसमान से जमीन पर देखता होगा तुम्हें कब और किस वक्त बनाया होगा यही सोचता होगा। I love fool, you love fool, you are beautiful. चल 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 चल। ये डायलॉग तो कोई भी बोल सकता है यार, इसमें सिखा क्या रहा है तू मुझे? देख कैसे बोलता हूँ मैं। पूजा जी, पूजा जी, मैं इन फूलों के लिए आपको लाया हूँ। जी? उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आप इन फूलों की तरफ देखिए, आपको शर्म आ जाएगी। मेरे फार्मूले का सत्यानाश करेगा तू? मेरा मतलब है कि ऊपर वाला भी जब नीचे देखता होगा इन फूलों को किसने बनाया सोचता होगा।
पूजा जी आप भी फूल है, ये भी फूल है, आई लव फूल, यू लव फूल, एंड लुक एट दिस फूल इज सो ब्यूटीफुल। पूजा जी मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मेरा नाम अर्जुन है। आपके बताए बिना अगर आपका कोई नाम अता पता जान ले, इसका मतलब वो आपको दिलो जान से चाहता है, राइट? पूजा वैसे तो दिल रोज धड़कता है, लेकिन तुम्हें देखकर मैंने जाना कि धड़कन क्या होती है, चाहत किसे कहते हैं। तुम मेरे बारे में कुछ भी समझो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी जान मान लिया है। आज से मेरे लिए तुम मेरी जान हो, और मैं तुम्हें तुमसे मांगने आया हूं, कहो मंजूर है? तुम्हारी इस खामोशी को क्या समझो? हाँ केला जा। पूजा क्या यार, तेरा फॉर्मूला फेल हो गया यार। फॉर्मूला 22 फेल हुआ तो क्या हुआ, फॉर्मूला 44 है मेरे पास, मगर इसको मत छोड़ो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। ये लड़की तो जवाब ही नहीं देती, गुंगी है। क्या बात करता है? हाँ, मैं तो बोलता हूँ गुंगी लड़की बहुत बेस्ट होती है, वरना ये लड़कियां शादी के बाद इतना बोलती हैं कि आदमी बहरा हो जाता है। अरे यार कम से कम नफरत की निगाह से ही देख लेती मुझे। मैंने सुना है नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। सीढ़ी
अरे प्यार को पाने के लिए मैं सीढ़ी क्या सीढ़ी बम्बा दूंगा, खंबा दूंगा, इतना लंबा दूंगा कि दिल की खिड़की में डायरेक्ट एंट्री मारोगे तुम। क्या उल्टा सुल्टा बोल रहा है यार, कम से कम दो चार गालियां दे जाती। गाली सुनने को तैयार हूँ। नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो, मान जाओ मेरी बात। अंदर घुसे तो कैसे घुसो? मैं बहुत सीरियस हूँ कंपाउंडर साहब, मुझे डॉक्टर साहब से तुरंत मिलना है। सर पौतक लफड़ा ही लफड़ा है। वैसे मुझे आने में देर हो गई लेकिन मेरे कुत्ते का अपॉइंटमेंट है, मैं जाऊँ? आप जाइए। कुत्ते की अपॉइंटमेंट? तू सही है। चल खेल। ओए बच्चा लोग, थोड़ी देर खेलना बंद करो और मेरे कुत्ते का ध्यान रखो। मैं अभी मंदिर से प्रसाद और गुरुद्वारा से खाना लेकर आता हूँ। ये मुट्ठे का रोज खाना लगे, अपना गेम बंद कर देते। आज ये कुत्ते का कुछ करना पड़ेगा। अरे बच्चे लोग, अगर मैं तुम लोग को 10 रुपया दूं तो ये कुत्ता 10 मिनट के लिए दोगे क्या? 20 रुपए तो हमेशा के लिए ले जाओ। अरे चोच बीच यार, टेक दिस 50 रुपीज। थैंक यू चोच बीच। देखो 2 दिन के बाद मेरे को फोन करो, कुत्ते का हालत कैसा है बताने का। जाओ। थैंक यू, जाओ। थैंक यू। ओके बाबा, नेक्स्ट। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बगैर अपॉइंटमेंट के आ रहा हूँ, लेकिन ये मामला जरा सीरियस है। इसका क्या प्रॉब्लम है? इसको हार्ट की प्रॉब्लम है डॉक्टर। हार्ट का प्रॉब्लम कुत्रे को? ये तो एकदम नवा बात है। इधर इधर लेकर आओ, जरा देखेंगे क्या हुआ। हाँ बैस बाबा, वैसा होता क्या है इसको? धड़कने बेचैन रहती है, सांसें बेकरार। अच्छा, और रात को नींद नहीं आती। हाँ, और भूख भी नहीं लगती। अरे ये तो मामला सीरियस लगता है। सोचता रहता है दिन भर कुछ ना कुछ, डूबा रहता है किसी के ख्यालों में। आजकल ये खोया खोया रहने लगा है। ए कुत्रे के फिलोसोफर लवर है डॉक्टर साहब, भूख ऐसे प्यार की। ए भाई उधर क्या देखता है, मेरे को देख के बात करनी? डॉक्टर साहब मेरी है ना बचपन से आंखें फिरी हुई है, जब मैं आपको देखता हूँ तो आपको लगेगा मैं इनको देखता हूँ, जब मैं इनको देखता हूँ तो आपको लगेगा आपको देखता हूँ, फिलहाल मैं आपको देख रहा हूँ। तेरा तकलीफ समझ में आया, एक कुत्रे का प्रॉब्लम अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये कुत्ता अपनी याददाश्त खो बैठा है। कुत्ता याददाश्त खो बैठा है? तभी तो मेरा होकर मुझे घूरता रहता है। अरे बाप रे, मेरे लाइफ का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस में ऐसा कुत्ता पहले कभी नहीं आया। आजकल ऐसे कुत्ते पैदा कहाँ होते हैं डॉक्टर साहब? देखो पूजा, इस केस में तुम जरा दिलचस्पी लेना। इसका बहुत अजीब केस लगता है मेरे को। इसके खोपड़ी में देखना बेवजह कैसा चलता है। रोमांस है इसके खोपड़ी में डॉक्टर साहब। रोमांस है? अरे मजनू के औलाद है कि कुतरा है? आई थिंक दिस सीरियस डॉग, सीरियसली हैज सम सीरियस डिजीज व्हिच इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सीरियसली नो वन इज टेकिंग इट सीरियसली, आई सीरियसली फील इट इज लव। व्हाट? यस। कहाँ गया मेरा कुत्ता? अपनी माँ से मिलने गया है। अरे हराम खोरो, वो अनाथ आश्रम का कुत्ता था, उसकी माँ ही नहीं है। बाप से मिलेगा होगा। सीधी तरह बता कहाँ है मेरा कुत्ता, वरना बता दो बता दो। एक अनुज को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर तस्तूरी के वहाँ लेके गया। ऑपरेशन? अरे ये तो कुटरी है, कुटरा नहीं है। ऐसे कैसे, बचपन में तो कुत्ता था, कुत्ता से कुत्ती कैसे हो गया? ये मेरे को नहीं मालूम है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने हट भी नहीं लगाया। सोजी, ये आवाज देता है, ये धूमिलाटी है। हाँ ये तो ऐसे धूमिलाटी जैसे ये इसके साथी है। साथी? क्या बोला? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं तुम्हारी कुत्ती तो नहीं है? हाँ ये मेरी कुत्ती है। तो मेरा कुत्ता कहाँ है यार? कौन सा कुत्ता? मेरा मतलब है कि हाँ हाँ, हो सकता है डॉक्टर साहब, हो सकता है कि एक शक्ल के दो कुत्ते हो और मेले में खो गए हो। मेले में खो गया कुत्ता? बेचारी का भाई खो गया। चलो बाप तो मिल गया। क्या बोला? भाग। अरे भाग, अबे जॉनी, अबे जॉनी क्या सही टाइम पे आया? अबे भाग भाग, अबे वो आ रहा है, साइन आ रहा है, अबे साइन आ रहा है, अबे अबे लेकर भाग। किससे पंगा लिया तूने? अबे अबे बेटा तो सही, मुझे बेटा तो
अच्छा बैठ के बात 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 तेरे तो इससे पंगा आजा आजा भैया इससे बड़ा कदम यू 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 भाव 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 देखो पूजा कल से तुम दवा खाने में नहीं आने का क्यों नहीं ये छोकरा रोज रोज नवा नवा कुट्टा लेके आएगा और मेरे को नवा नवा बीमारी सुनाएगा इसलिए बोलता है वैसे छोकरा है अच्छा ओए मेरा दिल चुराने वाला पीछे पीछे ये फूल है तुम्हारे लिए मेरे लिए थैंक यू दिल के गया चोर पकड़ो 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 मचाओ यारो शोर पकड़ो 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 हेलो अरे पूजा तुम क्या मेरा इंतजार कर रही हो हाँ मैं भी आया अब मैं बस यूं उड़ के आया बस फूल ले जाऊं नहीं क्या करूं डाइनिंग टेबल ले जाऊं नहीं बाथरूम नहीं दाढ़ी नहा लेता हूं यार पूजा पूजा मेरी जान जब तुम्हारा फोन आया ना तो मैं तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना जानती हूँ तो मुझे जान से भी ज्यादा चाहते हो मैं तुम्हारी जान हूं जो लोग तूफान में डूबते हैं उनका कोई दोष नहीं होता लेकिन जो किनारे आके डूबते हैं उनका अपना दोष होता है और मैं डूबना नहीं चाहती पूजा अब मैंने जाना धड़कन क्या होती है चाहत किसे कहते हैं सच कहूं तो मैंने भी तुम्हें अपनी जान मान लिया है जाने जाना, मेरे जाना।
सोचा न था जाना न था चाहत में है इतना असर होने लगा बेचैन मैं होने लगी तू बेखबर हाय अंजलि तुम यहाँ शिमला में क्या कर रही हो तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है तुम शिमला में हो तो मैं भी शिमला में अच्छा पूजा ये अंजलि है पूजा हाय हमारे ऑफिस में काम करती जी हाँ इनके ऑफिस में मैं सिर्फ इनके ऑफिस का काम करती और बाकी सब कामों के लिए यूं अचानक चली आती अंजलि बिहेव सर ओह सॉरी समझ गई इनके सामने कोई ऐसी वैसी बात एक्सक्यूज मी पूजा हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज पूजा यहाँ से नहीं जाएगी तुम यहाँ से जाओगी समझी तुम स्वीट हार्ट नए चाहने वाले मिल जाए तो इसका क्या मतलब पुराने चाहने वालों को बुला दिया जाए अंजलि तुम अपने हद से आगे बढ़ रही हो जब जगह इतनी रोमांटिक हो मौसम इतना फैंटास्टिक हो तो कोई भी चाहने वाला अपने प्यार की हदें तोड़कर आगे बढ़ जाता है तुम यहां से जाती हो कि मैं बेटा ओके ओके सॉरी सॉरी मैं तुमसे बाद में बात करूंगी बाय बाय पूजा आई कॉल यू लेटर पूजा मुझे गलत मत समझना ये लड़की मेरा विश्वास इतना कमजोर नहीं है काम हो जाएगा ये पंछी शिमला की पहाड़ियों से वापस नहीं जाएगा अर्जुन जल्दी करो नहीं तो प्लेन छूट जाएगा बस जान दो मिनट में हम लोग एयरपोर्ट के रास्ते पर होंगे पूजा जरा और करीब आओ ना वो क्यों थोड़ी देर बाद हम दोनों के बीच लंबा फासला हो जाएगा इसलिए लो करीब आ गई अब क्या बात है आज कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं अजी ये तो मेरी शराफत है वरना आजकल के प्रेमी बिछड़ने के बहाने बहुत कुछ कर जाते हैं चुप गेट रेडी पहाड़ी रास्ता है नजर सामने रखो नजर चाहे सामने रखूं मगर ध्यान का रखूं जो हर जगह तुम्हारा ही ख्याल ले आता है मजनू साहब इतनी आशिकी ठीक नहीं क्यों 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 क्योंकि अगर आप लौट के आए और मैं यहाँ न मिली तो ऐसा मजाक भी कभी मत करना तुमने ऐसा सोचा कैसे मैं तो कभी ख्वाब में नहीं सोच सकता कि तुम मुझसे अलग हो जाओगी सुना था ऐसी तड़प जहाँ होती है असली चाहत वही होती है
आज अपने आंखों से देख लिया। अब चलो भी। अरे पूजा, तुम तो बिल्कुल उदासी हो गई। इस तरह के हादसे तो होते ही रहते हैं। वो बात नहीं, बिछड़ने का एहसास पहली बार हो रहा है मुझे। पूजा, ओए, तुम इस तरह रहोगी तो मैं फ्लाइट में कैसे जाऊंगा? तुम्हारे ये दो बूंद आंसू हजारों समुंदर बन जाएंगे मेरे लिए। अर्जुन, तुम लौट के जल्दी आओगे ना? क्या पागल हो गई है क्या? अरे मैं जा रहा हूँ शायद दूसरी लड़की देखने के लिए। हो सकता है भैया भाभी ने कोई तीसरी लड़की भी देख रखी होगी। अब बड़े ना भी नहीं बोल सकता। आया आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या एक तार भेज दूंगा तुम्हारे नाम। आई एम सॉरी, कैन नॉट कम, योर एक्स लवर अर्जुन। स्टॉप इट अर्जुन। ओए, अभी दोबारा रोना मत। इस तरह मेरे हर मजाक पर रोने लगोगी तो सारी उम्र रोते हुए कटेगी। मजाक में तो क्या, मैं ऐसी बात सपने में भी नहीं सोच सकती। तुमने ऐसे कैसे कह दिया? बस कह दिया, मजाक करने की आदत है मेरी। अरे तुमको तो मालूम है मेरा प्रोग्राम क्या है। यहाँ से बंबई जाऊंगा, बंबई से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए लंदन जाऊंगा, वहाँ से 6 हफ्तों में लौटूंगा, यहाँ आऊंगा, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें डोली में बैठा के ले जाऊंगा। यही है मेरा प्रोग्राम, कैसा लगा? क्या कभी हंसती है, क्या कभी रोती है, ये लड़कियां बहुत उल्लू बनाती है यार। चलो। ओ मेरे हीरो हीरोइन, यानी कि मेरा फार्मूला कामयाब हो गया। पूजा, ये जॉनी मेरा नाम, आपका एड्रेस बताने वाला, दो दिलों को मिलाने वाला। वाकई आपका बहुत एहसान है मुझे। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, है भैया है। अगर ऐसी बात नहीं है तो एक एहसान आप कर दीजिए मेरे पे। प्रोडक्शन के काम से मैं तंग आ गया हूँ, एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। शाहरुख खान, सलमान खान, मिथुन दा, अक्षय कुमार मेरे हाथ में, यहाँ तक अमिताभ बच्चन भी मेरे हाथ में। अच्छा, यूँ फिल्म बना सकता हूँ, बस फाइनेंस की जरूरत है। 1-2 करोड़ मिल जाए तो बस मेरी पटरी। जा दिया जा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरे लायक कोई भी सेवा तो आधी रात मुझे याद कीजिएगा। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। शिमला से दिल्ली जाने अंतिम अनाउंसमेंट हो रहा है, आप भी अपना अंतिम कार्यक्रम कर सकते हैं। बाय बाय, और प्रस्थान करें। धन्यवाद। योर अटेंशन प्लीज, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम शिमला टू दिल्ली बाय अर्चना एयरवेज। Passengers are requested to proceed for security check. Thank you. शायद उसकी किस्मत अच्छी है। इतना वक्त हो गया प्लान बनाते बनाते, मगर अब तक किसी फंदे की रस्सी उसकी गर्दन तक नहीं पहुंची। वो शिमला से सही सलामत वापस आकर लंदन चला गया। एक बार फिर तुम्हारा हमला नाकामयाब रहा। नाकाम तो तुम भी रही जाने मन, अर्जुन को अपने जाल में फंसने में। माय बैड लक। ये गुड लक और बैड लक दिल को बहलाने वाले कमजोर खिलौने हैं, और मैं कोई बच्चा नहीं हूं। दीमक दीमक, खा जाऊंगा नंदा खानदान की सारी दौलत को। अंजलि, अब एक नई चाल खेलेंगे। नई चाल, नई शतरंज, नया मोहरा। नया मोहरा पूजा। तुम पूजा को एक चिट्ठी लिखोगी, जैसा मैं कहता हूं वैसे।
पूजा, मैं तुम्हें ये खत लिखने के लिए मजबूर हूँ। मैं अर्जुन के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर हकीकत जानना चाहते हो तो फौरन बम्बई चली आओ। अंजलि। बेटा, पूरे सफर में जो तूने मेरी सेवा कोई अपना इस शहर में नहीं हो, ये मेरा कार्ड कभी मेरी कोई बेटी बेटी मुझे घर तक कार्ड। जल्दी से किसी को बुलाओ, इनकी तबीयत बहुत खराब है। ये खून की उल्टी कर रहे हैं, इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज डॉक्टर को फोन करिए। आपने मुझे धोखा। हेलो सरकार, शिमला की मछली के गले में कांटा फंस गया है, तड़प रही है हमारे जाल में। हाँ तो तड़पने दो गुलाब भाई, जब तक वो तड़पेगी नहीं तब तक हमारी बोली समझेगी कैसे। जो हुक्म सरकार का। ओके। लगता है हमारी चिट्ठी का रिजल्ट निकल आया है। हाँ, पूजा तो हमारे कब्जे में आ गई है, अब रिजल्ट निकलेगा अर्जुन के भाई विजय नंदा का। लगता है विजय नंदा के जीवन की रेखा बहुत छोटी है। हाँ, नंदा खानदान के सभी लोगों की जीवन रेखाएं बहुत लंबी है जाने मन, लेकिन जब तक उनकी जीवन रेखा को मैं काट काट कर छोटी नहीं करूंगा तब तक ये सारी जायदाद, ये नंदा टूर्स, ये नंदा केमिकल्स, नंदा एविएशन, ये सबका मालिक मैं कैसे बनूंगा। जीवन रेखा छोटी होने में अब नंबर लगने वाला है विजय नंदा का। उनके मर्डर का प्लान तो मैंने ऐसे बनाया है कि वो क्या कहते हैं वो, हाँ आबेल मुझे मार। चीयर। चीयर। तुम्हारे इतने सारे काम पेंडिंग है और तुम, क्या बात है सागर, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम बताकर। कम ऑन सागर, तुम हमारे कंपनी के खास लॉयर ही नहीं, फैमिली मेंबर की तरह हो। रहने दीजिए सर, खाम का बात का बतंगड़ बन जाएगा। कुछ नहीं होगा, बताओ क्या बात है सागर। विजय साहब, एक लड़की थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था लेकिन मैं शादी नहीं कर सका। वो बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी और मैं और उसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कई सालों बाद अचानक कल रात उससे मेरी मुलाकात हो गई। कुछ नहीं बन सकी वो जिंदगी में, एक मामूली होटल सिंगर बन के रह गई। उसकी हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं। लगता है तुम अब भी उससे प्यार करते हो। yeah. तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम आज ही जाकर उसे कह दो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। लेकिन सर उसने इनकार कर दिया तो। अरे वो इनकार कर ही नहीं सकती, तुम जाकर उसे बुलाओ, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। लेकिन सर मैं उसको यहाँ ले आया तो स्टाफ वाले। ठीक है, आज शाम 7 बजे उसे मेरे फार्म हाउस पर ले आओ। मैं आपका एहसान जिंदगी। आज शाम 7 बजे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हें आज शाम को 7 बजे विजय नंदा की बीवी को फोन करना है, समझी? वेलकम वेलकम सागर, आओ। गुड इवनिंग सर। सर ये है शबनम। हेलो। और शबनम ये हमारी कंपनी के मालिक विजय साहब। विजय साहब नहीं, इस वक्त मैं सिर्फ इनका दोस्त हूँ, बैठो। प्लीज सागर, इफ यू डोंट माइंड, मैं इनसे कुछ। यस सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक्सक्यूज मी। ओके सागर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दरअसल इनके बारे में मुझे तुमसे कुछ बात है। हेलो, लेकिन विजय साहब, मैं सागर जैसे मामूली आदमी की पत्नी बनकर बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनके नहीं जी सकती। लेकिन आज वो बहुत बड़ी पोजीशन पर है, हमारे दिलों में सागर का क्या मुकाम है शायद तुम नहीं जानती, वो विश्वास के कौन से मंजिल पर खड़ा है शायद तुम्हें उसका भी पता नहीं। सागर से अच्छा जीवन साथी मिलना। आरिश। संभल के।
यू। आओ विजय साहब, तरक्की तो आपने की है, दौलत और शोहरत आपके पास है, सागर क्या है, आपका मामूली सा नौकर कितनी तरक्की कर लेगा, आप जितनी तो नहीं। सच पूछो तो आपको देखते ही आप पर मेरा दिल आ गया है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी तरफ देखिए, मैं हसीन हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ और आप पर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ। प्लीज दूर हटो, ये तुम्हें क्या हो गया है? वही जो एक जवान लड़की को देखकर मुझे अक्सर हो जाता है, तुम्हारा जादू चल गया है मुझ पर। छोड़ो शबनम, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। शबनम स्टॉप इट, मुझे लव यू। ये क्या कर रही हो तुम शबनम? आई नो यू लव मी। मधु, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तू। मधु ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो फिर यहाँ क्यों आई हो हमें डिस्टर्ब करने? शबनम ये क्या कर रही हो? मधु छोड़ो इसे, मधु सागर, मधु मधु छोड़ो इसे, सागर जल्दी आओ, छोड़ो इसे, छोड़ो मधु, प्लीज भाभी जी, भाभी छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, नहीं भाभी जी, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, कह दो कि ये झूठ है नीलेश। सागर कह दो कि ये सच नहीं है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है सेठ जी, लेकिन ये सच है। मेरी सबसे कीमती दौलत छिन गई। नहीं डैडी नहीं, ये शहर का रईस भिखारी हो गया आज, ये कैसे हो गया सागर, कैसे हो गया ये? सेठ जी मुझे विजय साहब ने शाम को फार्म हाउस पर बुलाया था। डैडी इसका मतलब है कि भाभी जी ने जानबूझ के गोली नहीं चलाई। लेकिन खून तो हुआ है ना? हाँ सागर, लेकिन तुम चश्मदीद गवाह हो इस बात के कि कत्ल नहीं हादसा हुआ है। मैं गवाही देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ भाई साहब, लेकिन सब जानते हैं कि मैं आपके फैमिली का आदमी हूँ, आपकी कंपनी का वकील हूँ। आप मुझे बताइए सेठ जी, मेरी गवाही मानने के लिए कौन तैयार होगा? लेकिन मधु बेकसूर तो है ना? बिल्कुल बेकसूर है सेठ जी, लेकिन विजय का कत्ल भी तो हुआ है ना, और अदालत के अंदर भाभी जी से सवाल भी पूछे जाएंगे ना। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सागर, अगर ये खून का मुकदमा अदालत तक पहुंच गया तो हमारे खानदान की इज्जत सड़क पर आ जाएगी। सागर बेटे को तो मैं वापस ला नहीं सकता, मगर मधु तो बेकसूर है, उसको तो बचा ले। लेकिन सेठ जी एक बात और है, ये खबर किसी मैगजीन या अखबार में छपनी नहीं चाहिए। प्रेस वालों को तो मैं संभाल लूंगा भाई साहब, लेकिन कानून मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सेठ जी, ये भंवर में फंसी कश्ती को भला कैसे बचाया जा सकता है? सागर दौलत की चप्पू से आज दुनिया में हर भंवर शांत हो सकता है। प्लीज सागर, तुमसे जो कुछ भी हो करो। देखिए सेठ जी मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, दौलत के सहारे ये कश्ती को भंवर से बाहर निकालने की कोशिश मैं करूंगा। वो कहते ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, ठीक है, दौलत के सहारे मैं ऐसी गेम खेलूंगा कि हुक्म के तीनों इक्के हमारे पास ही रहे। मुझे बचा लीजिए, मुझे लोग बचा लीजिए, मुझे बचा लूं? यहां से बचाने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, और फिर मेरा क्या फायदा? मैं आपके लिए कुछ भी कर लूंगी, आप अपनी जान भी दे दोगी, प्लीज मुझे लोग बचा लीजिए। आपकी जान नहीं चाहिए मुझे, किसी के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पे डालकर तुम्हारी जिंदगी के 8-10 साल जेल के लिए चाहिए। दोगी? दोगी, मुझे बचा लीजिए, मैं अपनी जान तक दे दूंगी, मैं अपनी जान। विजय नंदा के खून के जुर्म में इसको फांसी लगेगी तो लैला के गम में मजनू भी खुदकुशी कर लेगा।
वो क्या कहते हैं, एक तीर दो शिका। कौन थी जो भैया से मिलने फॉर्म पर आई थी? अर्जुन साहब, मैंने बड़ी मुश्किल से इस मर्डर केस को, वो क्या कहते हैं, रफा दफा कर दिया है। बहुत सारा पैसा देकर उस लड़की को भी विदेश भेज दिया। अब आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बदनामी और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपका मतलब है कि मैं उन तमाम सवालों को गला घोट दूं जिन्होंने मेरे मन को अशांत कर रखा है? अंधेरे में से असलियत की तरफ बढ़ने के लिए रोशनी की कोई किरण पैदा ना होने दूं? अंधेरे में रोशनी पैदा करना तो बड़ी अच्छी बात है अर्जुन साहब, लेकिन ये मत भूलिए ये खून भाभी जी के हाथों हुआ और मैंने कानूनी दायरे में रहकर बड़ी मुश्किल से उन्हें कानून से बचाया और आप उन्हें फंसाना चाहते हैं। देखिए अर्जुन साहब, जो गया है वो तो लौट कर नहीं आ सकता, जो हो गया उसे भूल जाइए, आने वाले कल के बारे में सोचिए, अपने पापा के बारे में सोचिए, उनके लिए तो सिर्फ आपका ही सहारा है और फिर विजय साहब की कुर्सी की जिम्मेदारी भी तो आपको संभालनी है, भूल जाइए प्लीज। सागर साहब मेरे साथ आइए। कहाँ? आइए, आपको रास्ते में बताता हूँ। कहाँ? सागर साहब, आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझसे? आपने मेरी दुनिया की रोशनी छीन ली। अर्जुन साहब, मैंने आपका नमक खाया, मैं आपका दुश्मन कैसे बन सकता हूँ? जाने अनजाने इंसान से भूल हो जाती है और वो भूल आप कर चुके हैं। ये पेपर पढ़िए। क्या? ये तो वही है जो विजय भैया के खून में। कोई खून नहीं किया उसने, आप लोगों ने जानबूझकर फंसाया उसे। पर ये बात भाभी जी, नीलेश और नंदा साहब भी जानते, लेकिन कानून की नजर। भूल नहीं झोंकी आप लोगों ने, मेरी जिंदगी में आग लगाई है। सजा उसे नहीं, मुझे मिली है, मुझे। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। पूजा मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, नंदा परिवार की होने वाली बहू है वो। तुम्हारा मतलब है वो? जी हाँ, और इसीलिए आपको अपने साथ लिए जा रहा हूँ मैं, और परमिशन के लिए अपने साथ लिए जा रहा हूँ मैं आपको, समझा?
सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। अब आप जाके पूजा से मिल सकते हैं। थैंक्स। चलिए सागर साहब, मैं पूजा से अकेले में मिलना चाहता हूँ, प्लीज। क्या हुआ पूजा? पूजा, तुम्हारी जिंदगी पे मेरा भी तो हक है, फिर तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? और क्या करती, तकदीर ने मुझे ऐसे मुश्किल में डाल दिया कि न मैं तुम्हारे लायक रही और न जिंदगी मेरे लायक। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक दिन मुझे तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ अंजलि का लिखा हुआ एक खत मिला। अंजलि? क्या लिखा था उसने? उसने लिखा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या? यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन, जो करीब होता है उस खोने का डर भी ज्यादा होता है, और वही डर मुझे बंबई खिंचलाया। बेटी मुझे लोगों से बचा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे दूंगी, प्लीज। जान नहीं चाहिए, किसी के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पे डालकर तुम्हारी जिंदगी के 8-10 साल जेल के लिए चाहिए। दोगी? हाँ, कुछ भी, सब कुछ मंजूर है मुझे, पर इन लोगों से बचा लीजिए मुझे, प्लीज। उसने मुझे जेल के बदले उस नर्क से निकाल दिया, मैं खुश हुई, लेकिन जब मैं यहां पहुंची तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी इज्जत के बदले अपने आप को गिरवी रख चुकी हूं। पूजा, वक्त और हालात ने हमें लाकर किस मोड़ पर खड़ा कर दिया। तुम्हारे जिन हाथों को मैं मेहंदी की लाली देना चाहता था, वही हाथ मेरे भाई के खून के छूटे इल्जाम से रंगे हुए। तुम्हारा भाई? हाँ पूजा, जाने अनजाने जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे घर की इज्जत बचाने के लिए हुआ है, लेकिन मैं किसी भी हाल में तुम्हें यह सजा भुगतने नहीं दूंगा। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हीं से शादी करना चाहता हूं। वो खत, अंजलि? अंजलि ने तुम्हें ऐसा खत क्यों लिखा? इसका जवाब तो मैं उसी से ले लूंगा, मगर तुम यहां पर दोबारा आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करोगी, क्योंकि शायद यहां पर तुम्हें कोई बचा भी ले, मगर बाहर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। जान बुलाएंगे मेरी जान।
किसको जान बुलाएंगे, हम किसको जान बुलाएंगे, हम किसको जान बुलाएंगे, हम किसको जान बुलाएंगे। खिलाफ हो जाए और मैं तुम्हें पा सकूं। क्या यही देखने के लिए मैंने तुझे यहाँ नौकरी दिलाई थी? ये भूल गई कि मेरी वजह से तुझे यहाँ फैमिली मेंबर की तरह रखा गया था? जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। आउट, आउट। दोबारा यहाँ देखा तो जान ले लूंगा तेरी। अंजलि को निकाल देने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती सागर साहब, मुझे किसी भी कीमत पर पूजा को जेल से बाहर निकालना है। लेकिन सर, अदालत में पूजा अपना जुर्म कबूल कर चुकी है, सारी कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है। फिर से कराइए कानूनी कार्रवाई, बदल दीजिए सारे कागजात, जला दीजिए उसके बयान को, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि पूजा की जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई चीज नहीं। अर्जुन साहब, एक हाथ आग से निकालोगे तो दूसरा जल जाएगा, पूजा को बचाओगे तो भाभी जी का बचना मुश्किल हो जाएगा। फैसला जो आप करें सर, भाभी या पूजा, क्योंकि खून तो भाभी जी के हाथों से हुआ है ना। भाभी भी कोई आज नहीं आनी चाहिए, नंदा परिवार पर कोई कीचड़ उछाला नहीं जाना चाहिए। वैसे भी पापा दिल के मरीज है, पता नहीं वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। अर्जुन साहब, पूजा को कानूनी तरीके से बाहर निकालना तो इट्स इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं। हाँ, अगर पूजा को जेल से भगा कर ले जाया जाए तो। वैसे इम्पॉसिबल है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर पूजा को जेल से निकालने का बस यही रास्ता है तो पूजा को जेल से मैं निकालूंगा। मैं। तुम एक वकील होते हुए अर्जुन को ऐसा गैर कानूनी काम करने की राय दे रहे हो? मैंने कोई राय नहीं दिया डॉक्टर साहब, ये अर्जुन का अपना फैसला है। तो फिर समझाओ ऐसे किसका अंजाम क्या होगा? मेरा अंजाम चाहे कुछ भी हो, मगर पूजा की जिंदगी का अंजाम जेल की चार दीवार या फांसी का फंदा नहीं होगा। पूजा को जेल से भगाने के जुर्म में पकड़े जाओगे तुम, गिरफ्तार हो जाओगे, सजा हो जाएगी तुम्हें। सजा तो तब होगी ना पापा, जब मैं किसी के हाथ आऊंगा। मैं पूजा को लेकर इस देश से कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन अर्जुन, ये इतना बड़ा कारोबार, आप डैडी के बेटे नहीं है क्या? दामाद बेटा नहीं होता क्या? और सागर साहब, आप कौन है? आप हमारे भाई नहीं है क्या? अरे डैडी के दो दो मजबूत बाजू है, संभाल लेंगे बिजनेस। बात बिजनेस की नहीं है बेटे, मैं भी तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। एक तू ही तो रह गया जो मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग लगाएगा। पापा, पापा, आपको कुछ नहीं। लेकिन पापा, अगर मैंने पूजा को जेल से बाहर नहीं निकाला तो वो दोबारा आत्महत्या करने की कोशिश करेगी, और अगर वो मर गई पापा तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। क्यों? मुझे उस बेकसूर को बचा लेने दो पापा, उस बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा। कसूरवार मैं हूं, गुनहगार मैं हूं। मैंने इस घर की खुशियां छीनी है, एक बाप से उसका बेटा छीन लिया, भाई से उसका भाई छीन लिया। नहीं नहीं भाभी नहीं, सजा मुझे मिलनी चाहिए। पापा जी, आप मुझे कानून के हवाले कर दीजिए, आप प्लीज मुझे कानून के हवाले कर दीजिए। भाभी नहीं अर्जुन, मेरी मौत से तुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। नहीं भाभी, मैं अपनी मोहब्बत पर तुम्हारी जीवन की बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं अपनी जान पर खेलकर पूजा को जेल से भगा कर ले जाऊंगा। लेकिन बेटे, अगर यही एक रास्ता है जिससे बहू भी बच जाएगी और तेरी पूजा भी मिल जाएगी, तो चल, मुकद्दर का ये फैसला भी मुझे मंजूर है। पापा, पापा। सत्रह तारीख को हमारे प्लान के मुताबिक तुम पूजा को जेल से भगा कर ले जाओगी, ओके? और दूसरे दिन शाम को 5 बजे तक अपने आप को पुलिस की नजरों से बचाए रखना, और ठीक 5 बजे पानी के जहाज के जरिए तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। इज दैट ओके? ओके, फाइन। तो हम लोग तैयारी शुरू करें। सागर भाई साहब, पूजा मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से निकलने का सारा बंदोबस्त हो चुका है। 17 तारीख को जेल में आग लगेगी और मैं खुद तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा।
जल्दी जल्दी करो। ए, तुम लोग क्या बातें कर रही हो, चलो जल्दी करो। ए, तू सुना नहीं, चलो मत करो। ए, चलो जल्दी जल्दी करो, चलो। कहते हैं अपनी मौत का सामान इकट्ठा करना। लेकिन अपना प्लान कामयाब होने के लिए किसी तरह इन दोनों को कल तक पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बचे रहना होगा, ताकि कल हम उसे जहाज पर मारकर मछलियों का चारा बना सकें। वो क्या कहते हैं, इधर कुआं उधर खाई, बीच में लटके अर्जुन भाई। लग जा गले जाने मन, सांसें हैं मेरी खुशबू की प्यासी, चंदन है तेरा बदन।
चंदन है तेरा बदन। लोगों के मुताबिक जेल से सिर्फ एक लड़की भागी। जी सर। उससे जेल में मिलने कौन कौन आता था? अर्जुन नंदा। और हाँ, एक बार मिस्टर नंदा और उनकी बहू मधु भी उससे मिलने आए थे। लेकिन मिस्टर नंदा के बेटे विजय के कत्ल के जुर्म में पूजा जेल में मिलने आना। मिस्टर पांडे, तुम इस केस का चार्ज लो, मगर ख्याल रखना कि मिस्टर नंदा शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए बिना किसी सबूत के। यू अंडरस्टैंड? आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं आज से ही उनका टेलीफोन टैप करता हूं। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूं। अर्जुन? सर, अर्जुन का फोन। कहां से बोल रहे हो तुम? येलो गेट से। ठीक 10 मिनट बाद एक बोट में बिठाकर हमें जहाज तक ले जाया जाएगा। 10 मिनट? जल्दी। 2 दिनों में हम विदेश में होंगे, वहां पहुंचते ही फोन करना। अपना रेडी का ख्याल रखना, महीने भर बाद लंदन में मिलेंगे। अर्जुन का पता चल गया, तुम फॉरेन फोर्स लेकर येलो गेट पहुंचो, क्विक। तुम हमारी फिक्र मत करो, अपना और पूजा का ख्याल रखना। अच्छा भाभी, और अच्छा भाभी, मेरा वक्त हो गया। अच्छा, येलो गेट किस तरफ है? Take it straight, fast.
happened to Jack? Over. उस जहाज को फौरन वापस बुलाइए। ओके, इसमें एक मुजरिम है। या, अलाउ? ओके कंट्रोल। ओके। जहाज को वापस लो। तुम लोग उस जहाज पर निशाना लगाकर रखो। बॉस ने कहा था ये पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहिए। मगर पुलिस की नजर तुम लोगों पर तो नहीं पड़ी ना? ठीक है बेटे, पुलिस की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है। और फिर तुम पूजा से जाके जेल में मिलते भी रहे हो, वो लोग तलाश करने के लिए यहां भी आ। रुको, दरवाजा मत खोलना। पुलिस, देखा आ गई ना पुलिस, अभी आपकी छुप जाओ कहीं, जाओ जाओ जल्दी 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 गो, गो। अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो जिंदा बच जाएगा, मतलब हमारे प्लान की मौत। वो जहाज तो हमने रुकवा दिया लेकिन वो वहां नहीं मिला, इसका मतलब यही हुआ कि वो यहां है। I'm sorry, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। तरफ ढूंढ लिया, यहां कोई नहीं है सर, अंदर तो कोई नहीं है। चलो लेट्स गो। Thank you.
एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। यस। नंदा साहब जैसे इज्जतदार आदमी के घर तलाशी लेने की वजह मैं जान सकता हूँ? हमें शक है अर्जुन और पूजा यहीं कहीं छुपे हुए हैं। सर्च वारंट है आपके पास? जी नहीं, आज संडे है। आप जानते हैं कि बगैर सर्च वारंट के तलाशी लेने के जुर्म में मैं आपको नौकरी से सस्पेंड करवा सकता हूँ? जी हाँ, आई एम सॉरी लेकिन ओके। ये मेरा कार्ड है, आई एम एन एडवोकेट मिस्टर श्रीवास्तव। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, वरना वो कहते ना कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए। आइए मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ, आइए। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वारंट के साथ प्लीज। वाकई अगर सागर न होता तो न जाने क्या हो जाता। सागर साहब, सागर साहब, आज आपने मुझे बचा लिया। आपका नमक खाया है सर, हक तो जताना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं, एक दिन ये कर जरूर चुकाऊंगा मैं आपका। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। चलो, कहाँ जा रहे हो? ऐसी जगह जहाँ पर पुलिस ना पहुंच सके। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जा रहे हो? वो मैं भाभी को फोन करके बता दूंगा। चलो पूजा, ठहरो, मैं जाके देख लूं कि पुलिस है कि नहीं। आओ पूजा। मैंने तुम्हें नहीं अर्जुन साहब, अपने आप को बचाया है। तुम जेल चले जाते तो मेरा प्लान कहाँ जाता? मैं तो उसी मिसाल पर चल रहा हूँ। कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। जॉनी भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं जॉनी नहीं, आपने मुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं। मैं हूँ मस्त कलंदर, कभी बाहर कभी अंदर, दिखता हूँ प्लम्बर। आपका लग गया है रॉन्ग नंबर। अरे जॉनी भाई, कहाँ जा रहे हो? ऊपर आसमान नीचे धरती, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है भर्ती। मिस्टर अर्जुन, आप लोग यहाँ? जॉनी भाई, आप यहाँ तो फिर ये वो मोनी होगा, मेरा हमशक्ल। एक साथ देखोगे तो कहोगे तुम सा नहीं देखा। मुझे फिल्मों का प्रोड्यूसर बनना है और उसे गीतकार। वैसे आपने मुझे फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस देने का वादा किया था, वही निभाने आए हो क्या? वो वादा तो मैं पूरा करूंगा ही, लेकिन इस वक्त हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। वो पुलिस से बचने के लिए तुम यहाँ रहने आ गए हो? एक मिनट, एक मिनट। क्यों, क्या हुआ? नहीं, इस मामले में मेरे भाइयों से पूछना बहुत जरूरी है, अभी आया। सुबह सुबह जब ककड़ी खाऊं भाजी वाली लड़की, हाय हाय हाय, दिल मेरा बोल ले हेलो हाउ आर यू। अरे कौन है तू? वो जॉनी भाई आपको अंदर ढूंढ रहे मेरे ख्याल से। अच्छा जॉनी जी, परदेसी परदेसी, जाना नहीं जाना नहीं। अरे वहां नहीं, उसका। अरे मोनी, अभी तो तुम उस कमरे में टॉवल में। वो टॉनी होगा। टॉनी? ये है जॉनी, ये है मोनी, मैं हूं टॉनी। आपके दोस्त हैरान हैं, परेशान हैं। वो इसलिए कि हम एक ही शक्ल के तीन इंसान हैं। मगर भाई, इस अनजान का, इस मेहमान का, कदरदान का नाम क्या है, पहचान क्या है, अरमान क्या है, डिमांड क्या है? एक मिनट, आइए। इनकी डिमांड है कुछ दिनों के लिए हम इन दोनों को अपने घर में छुपा लें। क्यों, क्या दोनों स्मगलिंग का माल है? क्या ये बम या हथियार है? ये दोनों पुलिस से भागे हुए हैं। पुलिस से? अर्जुन इस शहर के बहुत बड़े करोड़पति के बेटे हैं। आज हम इनको सहारा देंगे तो कल ही हमको फाइनेंस देंगे। मेरे को प्रोड्यूसर, तेरे को म्यूजिक डायरेक्टर और तेरे को लिरिक्स राइटर बना देंगे। वेरी गुड, ठीक है, ओके। हम भाइयों ने फैसला कर लिया है, आज से घर तुम्हारा, पंखा तुम्हारा, ट्यूबलाइट तुम्हारी, टीवी तुम्हारा, बल्ब तुम्हारा, बाल्टी तुम्हारी, लोटा तुम्हारा, थाली तुम्हारी, चमचा तुम्हारा, और हम तुम्हारे चमचे। मतलब आज से हम भी तुम्हारे, घर भी तुम्हारा। थैंक यू जॉनी भाई, थैंक यू वेरी मच। क्यूज मी, थैंक यू। अरे हाँ, तू अब तक सोया नहीं? नहीं, मैं बाबूजी को गुड नाइट बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट कहकर फौरन जाकर सो जा। अच्छा बाबूजी, गुड नाइट। गुड नाइट बाबूजी। बाबूजी, सॉरी बाबूजी, वो क्या है ना, आज मैंने दूध नहीं पिया था ना। पीले बेटे पीले। और अब रात हो चुकी है, तू इसके बाद जाके सो जा। अच्छा बाबूजी, गुड नाइट बाबूजी। गुड नाइट। Thank you.
देखो हालात के साथ जो चाल बदले ना वही अच्छा खिलाड़ी होता है। यकीन मानो अर्जुन की लाश देखकर ये बूढ़ा जरूर मर जाएगा और फिर ये सारी दौलत पर सांप बनकर बैठ जाएगा। सागर श्रीवास्तव, बिजनेस पर दस्तखत होंगे तुम्हारे और राज करेंगे हम। हेलो पुलिस स्टेशन, सागर श्रीवास्तव आज दिन के सांप। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। वो कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसता उसी को है जो दूध पिलाता है। मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ने वाले, मेरे बेटे अर्जुन को मुजरिम बनाने वाले, कानून के हवाले कर दूंगा मैं तुझे, सजाए मौत दिलवाऊंगा मैं तुझे। सजा सजा गवाह और सबूत जैसी दो बैसाखियों की मोहताज होती है सेठ जी, और हम तो बैसाखियां ही तोड़ देते। मरने से पहले एक और राज की बात भी जान लो सेठ जी, और फिर स्वर्ग में बैठ के पछताते रहना। इसे जानते हो, ये भी शामिल है हमारी साजिश में। सफेद साड़ी में लिपटी हुई ये पवित्रता की मूरत, तुम्हारे बेटे विजय के खून के दाग इसके दामन में भी छिपे हुए हैं। इसके तुम दोनों सदाए मौत दिलवा के रहूंगा मैं। चिल्लाइए मत, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप भी क्या करें। वो कहते ना कि चराग जब बुझने को आता है तो उसकी लौ ज्यादा फड़फड़ाने लगती है। और फिर कहां जा रहे हो? बाप की चिता को बेटा ही आग देता है चांदी भाई।
सफर में छोड़ गए हैं हमको अपने सभी हमारे ऐसा लगता है अब तन्हा हम जिंदा ठीक है लेकिन मेरे कपड़े कहाँ हैं मेरे पैंट शर्ट रुमाल वगैरह अरे शादी करने के बाद अगर ये सब कुछ काम मुझे करना पड़े तो शादी करने का फायदा क्या हुआ डाले क्या हुआ मैं हूं अर्जुन भाभी भाभी मैं हूं अर्जुन भाभी भाभी मैं हूं अर्जुन भाभी क्या हो गया तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूं पूछो जब पापा की मौत हुई आप कहां थे मैं यहीं थी लेकिन जब मैं उनके कमरे में गई सारा श्रीवास्तव आज दिन के साथ ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया वो कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसता उसी को है जो दूध पिलाता है मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ने वाले मेरे बेटे अर्जुन को मुजरिम बनाने वाले कानून के हवाले कर दूंगा मैं तुझे सजा मौत दिलवाऊंगा मैं तुझे सजा सजा गवाह और सबूत जैसी दो बैसाखियों की मोहताज होती है सेठ जी और हम तो बैसाखियां ही तोड़ देते मरने से पहले एक और राज की बात भी जान लो सेठ और फिर स्वर्ग में बैठ के पछता इसे जानते हो ये भी शामिल है हमारी साजिश में
फिर स्वर्ग में बैठ के पछताते रहे। इसे जानते हो, ये भी शामिल है हमारी साजिश में। ये तूने कब और कैसे रिकॉर्ड किया? मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, मुझे नहीं मालूम। बता, तूने कैसे रिकॉर्ड किया ये? मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, मुझे नहीं मालूम। सागर श्रीवास्तव, ये सुना तुमने? बाबूजी की मौत दिल के दौरे से नहीं हुई थी, उनका कत्ल हुआ था और कातिल सागर है। सागर, सागर जिसे मैं अपना भाई समझता रहा। सागर, 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 सागर ने खून किया। सागर, सागर ऐसा कर सकता है? मैं ये सोच भी नहीं सकती। सागर ने पापा जी का, पापा जी। नहीं नहीं भाभी, सागर को अपना ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल। मैं सागर को नहीं छोड़ूंगा, मैं सागर को नहीं छोड़ूंगा। पापा को दिल का दौरा नहीं पड़ा था, उनकी हत्या हुई थी। हत्या, और हत्यारा कौन है मालूम है? ये सागर, अपना सागर। क्या? शिमला में कार का हादसा, शिप पर हमला और तुम्हारा जेल जाना, इन तीनों के पीछे सागर का ही हाथ था। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबूत क्या है? ये टेप साफ साफ कह रहा है कि सागर साजिश में अकेला नहीं है, और फिर उसकी मौत मेरी, तुम्हारी, भाभी की जिंदगी नहीं बन सकती। ये ठीक कह रही अर्जुन, उसके खून से तुम लोगों पे लगे जुर्म के निशान धुल नहीं सकते। ठंडे दिमाग से सोचो अर्जुन, ताकि सही मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। तुम ठीक करिए पूजा, सागर ने अगर मेरे पापा को धोखे से मारा है तो मुझे भी उसका जवाब चालबाजी से ही देना चाहिए। अर्जुन तुम? ओह माय गॉड, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी और तुम यहाँ? सागर साहब, मौत मेरे सर पर गीत की तरह मंडरा रही है, मगर मैं मौत को धोखा देकर अपने पापा के कातिल तक पहुंचना चाहता हूँ। कातिल? क्या बात कर रहे हैं, नंदा साहब को तो हार्ट अटैक हुआ था। उनका कत्ल हुआ था। ये क्या कह रहे हो तुम? एक सच्चाई, एक इतिहास, जो मेरे पापा की पीठ में छुरा भोंक कर उनके खून से लिखा गया था, जिसे मैं पढ़ चुका हूं सागर साहब। कमाल हो गया, बहुत बुरा हो गया अर्जुन साहब। नंदा साहब तो भगवान जैसे आदमी थे, उनका कत्ल किसने किया होगा? मैं उस बेदर्द वहशी दरिंदे की गर्दन तक पहुंच चुका हूं। ये समझ लीजिए कि उसकी मौत और जिंदगी में इतना फर्क बचा है जितना मेरे हाथ और आपकी गर्दन। तुम कातिल को जान चुके? जान चुका। कौन है? जान चुका होता सागर साहब, जान चुका होता, मगर पुलिस, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, और कातिल का पता लगाने के लिए मैं जो कुछ करना चाहता हूं मैं कर नहीं सकता। इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कहीं आप मेरी मदद करेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा, आपका नमक खाया, आपके लिए खून बहाने को भी तैयार। खून जिसका बहना था बह चुका सागर साहब। जान, जान, जान चाहिए मुझे आपकी, आप जान देंगे मेरे लिए? मैं नहीं, हाँ हाँ दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा, दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी सागर साहब, इस खेल में आपका अहम हिस्सा होना बहुत जरूरी है, वरना यह खेल अधूरा रह जाएगा। अच्छा सागर साहब, मैं चलता हूँ, जो कुछ भी मुझे पता लगेगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है सागर साहब, मैं चलता हूँ। संभाल के जाना प्लीज। हेलो, हमारा नाटक कामयाब रहा, चूहा बिल से निकल चुका है,
अपने साथियों से मिलने जा रहा है बास्टर्ड। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आया। बहुत छटपटा रही हो। हाँ, ऑफिस में अच्छा नाटक किया था तुमने और सागर ने मेरे विश्वास को बनाए रखने के लिए, लेकिन आज सागर बुजदिलकार भावरा, मैं जानता हूं तू इसी चार दीवारी में है जहां से तूने और अंजलि ने अपने बुरे मंसूबों की हवा तक को खबर ना होने दी। अरे अर्जुन साहब, आपने क्यों तकलीफ की? आप कहते मैं वहां आ जाता। अब और नाटक मत कर नमक हराम, तेरे चेहरे से नकाब उतर चुका है, समझा तू? अर्जुन साहब, लगता है सेठ जी की मौत के बाद आपके दिमाग का संतुलन कुछ, वरना आप मुझे गद्दार, कायर, नमक हराम। सागर श्रीवास, आज दिन के साथ ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। वो कहते हैं ना कि सांप। अब इस बात का फैसला तुम ही करो सागर, कि अपने आप को कानून के हवाले कर देना चाहते हो या मेरे हाथों मरना चाहते हो। मरने की बात कर रहे हो? मरने के सफर पर तो तुम निकले हो। जीजा जी, आप? जीजा जी। अरे हमने तो कभी किसी के साथ रिश्ता जोड़ा ही नहीं सिवाय दौलत के। तुम्हारी बहन यानी कि मेरी पत्नी नंदा फैमिली की तिजोरी खोलने के लिए एक सुनहरी सी चाबी थी बस, और वो भी कमबख्त अपने बाप के घर से एक पैसा लाने के लिए तैयार नहीं थी। सुनहरी चाबी को जंग लग गया, एक दिन गला घोट कर मार डाला उसे। भाई नहीं नहीं, आहिस्ता। अर्जुन साहब, आपने अपने घर में छुपे हुए नाग को तो देख लिया, अब आस्तीन में छिपी हुई नागिन को भी देख। मधु, अर्जुन माना कि तू अर्जुन है, लेकिन अभिमन्यु की तरह तू हमारे चक्रव्यूह में फंस चुका। जब कश्ती भंवर में फंस जाती है ना, डूब जाती है। और तुम्हारी कश्ती में तो दो दो सुराख है, एक जीजा जी, एक भाभी जी। तुमने ठीक कहा था सागर, मैं अभी मनु नहीं अर्जुन, अर्जुन बाजी पलट चुकी है। अर्जुन साहब, बाजी जीतने के लिए राजा को सिर्फ प्यादे की नहीं, कभी कभी रानी की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। सॉरी डार्लिंग, आई लव यू बट आई लव माई सेल्फ मोर। अर्जुन, लाश को ठिकाने लगाओ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अर्जुन भागा।
अर्जुन भागा। गो। चलो फॉलो मी। हमारी बनाई हुई कहानी खत्म हो गई, दी एंड लग गया। अब सारे कागजात और चेक्स पर आप साइन करेंगी और हम राज करेंगे। भगवान नंदा फैमिली की आत्माओं को शांति दे, जिन्होंने सिर्फ हमारे लिए इस धरती पर जन्म लिया था। इतनी मेहनत के बाद उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, इतने बड़े बड़े कारखाने बनाए, और कंपनी के स्टाफ के लिए, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हम लोग जब तक जीते रहेंगे उनके एहसानों के तले दबे रहेंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हर जन्म में मुझे ऐसा ही मालिक देना ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरा जीवन भी सफल कर दो, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया हूं। क्या है भाई, कौन हो तुम? कुछ मत पूछिए, कुछ मत पूछिए। अर्जुन मेरा यार था, मेरा दोस्त था। अरे सत्यानाश हो उनका जिनकी वजह से मेरा दोस्त मारा गया। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? अरे उन लोगों को मगरमच्छ के साइज के कीड़े पड़े जिनकी वजह से मेरा अर्जुन मारा गया है, है ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। वो सब लंगड़े लूले होकर, अपाहिज होकर सिग्नल पे भीख मांगते फिरे जिनकी वजह से मेरा दोस्त मर गया है और मैं उन्हें भीख भी ना दूं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना सर? हाँ, लेकिन लेकिन अर्जुन को तो पुलिस ने गोली। अरे पुलिस हो या विलन, मेरे सामने आए ना तो उस तरह से सर के बाल करके टकला कर दूंगा, कपड़े फाड़ के नंगा कर दूंगा मैं। क्यों भाई लोग, मैं सही बोल रहा हूँ ना? देखो तुम बहुत जज्बाती हो, जरा शांत रहो। देखिए आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए प्लीज। चला जाऊंगा मगर आपको अर्जुन की आत्मा की शांति के लिए मेरे साथ देना होगा, मेरी फिल्म बनाने में आपको साथ देना होगा। आप क्या चाहते हैं? 50 लाख रुपए। क्या 50 लाख? 50 लाख? जी हाँ, हम आपको जानते तक नहीं है। 50 लाख? लेकिन अर्जुन साहब मुझे जानते थे। देखिए मेरे पास पेपर्स है, उनका साइन भी है यहाँ, देखिए उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी दिया है ना। भाइयों छोटे मालिक की इच्छा थी कि मेरी फिल्म बन जाए, अगर उनकी आखिरी इच्छा पूरी ना हुई तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे साहब। क्यों भाइयों, इनको 50 लाख रुपए देने चाहिए या नहीं? छोटे मालिक ने हमारे और हमारे बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए 50 लाख रुपए जरूर देने चाहिए। शांति के लिए तो ये रकम कुछ भी नहीं है। हम देंगे 50 लाख, तो क्या जितना भी पैसा लगेगा हम जरूर देंगे। धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद।
बोलो भाभी जी की जय हो। भाभी जी की जय हो। मेहरबानी करके आप सब मेरी फिल्म की मुहूर्त पर आइएगा। आप आएंगे ना? जरूर आएंगे। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं जी? क्या बात है साहब, बहुत बड़े प्रोड्यूसर लगते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मुखड़ा सी। हाँ, इरशाद इरशाद। चप्पल वाले जूते में आ गए, बनियान वाले टाई लगा गए, सारे कौवे मोती खा गए, कहाँ से उल्लू के पट्टे आ गए। क्या क्या तुम्हें अर्थ क्या है? ले अकल का झाड़ू, दिमाग की खुली झाड़, खोल अकल के किवाड़, वरना पड़ेगी तार तार तार। तमीज से बात करो जॉनी। जॉनी मैं हूँ सर। जॉनी मेरा नाम है, ये मेरा भाई मोनी है। दिलदार जेंटलमैन। आप सागर साहब नहीं आए? सागर साहब बस आते ही होंगे। ये ले जाओ, ये लो आगे आइए। आप आए बाहर आई, आपने कोई जंजीर होगी ना दीवार, मेरे प्रोडक्शन की लव स्टोरी में शोले भड़केंगे, चांदनी चमकेगी, आप नारियल फोड़ेंगे साहब जी, आप कैमरा ऑन करेंगी और सागर साहब आप मुहूर्त क्लैप देंगे। हाँ मगर ये मुहूर्त का नारियल वगैरह है कहाँ? मैं उसका इंतजाम करता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ। आप लोग आइए ना, मोनी जरा ध्यान रखना, बस भी देख लेते सब। चौंकिए नहीं, आप हैं जॉनी के जुड़वे भाई मोनी। एक मुखड़ा सुनिए, आलू के खेत में भालू आ गए, बंदर खाने को रतालू आ गए, कैसे कैसे लोग चालू आ गए। मैं भी आता हूं, अभी आता हूं। स्टुपिड लोग। जाने दीजिए सागर साहब, जाने दीजिए। आइए अंदर चलते, मुहूर्त का नारियल तोड़ते हैं। डॉक्टर साहब तोड़ना ही है ना, तोड़ने में तो हम लोग माहिर हैं। चाहे किसी की सांसें तोड़नी हो, तकदीर के सितारे तोड़ने हो। हाँ आपने तो सारा घर ही तोड़ दिया, सारा बिजनेस अपनी तरफ मोड़ लिया, तो फिर नारियल की क्या औकात है? वो तो हमें देखकर अपने आप ही टूट जाएगा। दीवाने दीवाने तो दीवाने। अरे मुहूर्त में दीवाने समारोह, नारियल कहाँ है? नारियल? हाँ। एक नारियल हमको मिले, टूटे तो सबको फले, मुहूर्त में हमरी तुमरी सबकी तकदीर चमके। रे हम्मा 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 रे हम्मा। नारियल मरियल अरियल। जॉनी जॉनी नहीं मोनी, ये क्या हरकत है? ये हरकत नहीं, हमारे बापू की बरकत है, बापू की देन है, एक ही जैसी चेन है। जॉनी टॉनी मोनी, टू इन वन सुना होगा, हम थ्री इन वन है। खानदान है सूर्यमुखी, बैनर का नाम है त्रिमुखी, फिल्म का नाम है 1998 ए म्यूजिकल स्टोरी, जिसका प्रोड्यूसर है जॉनी कपूर, म्यूजिक डायरेक्टर टॉनी रहमान और लिरिक राइटर मोनी बख्शी। जॉनी टॉनी मोनी। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसा पहला मुहूर्त है जो ना पहले कभी हुआ, ना देखा ना सुना। आइए मुहूर्त का टाइम हो गया है, चल के नारियल तोड़िए। स्टार्ट साउंड, कैमरा एक्शन। त्रिमुखी फिल्म्स 1998 अ म्यूजिकल स्टोरी मुहूर्त शॉट, ऑल द बेस्ट।
वही समा, फिर वही जगह, फिर वही कहानी आ गई। किए किराए पर पानी फिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और कठपुतली बनकर नहीं नाचूंगी। तुम लोगों ने मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, मैं फंस जाऊंगी। कोई नहीं फंसेगा मधु, मधु समझने की कोशिश करो। तुम लोगों ने मुझे कातिल बनाया, खूनी बना दिया। तुम खूनी नहीं हो मधु। मैं खूनी हूँ, मैं मुजरिम हूँ। तुमने कोई खून नहीं किया है। लेकिन खून तो हुआ है। कानून की नजरों में तुम गुनहगार नहीं हो मधु। लेकिन अपनी नजरों में मैं गुनहगार हूँ। मैंने अपने पति की हत्या की है, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। शट अप, शट अप। तुम्हारे पति की हत्या तुमने नहीं, मैंने की है। और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे ससुर का खून भी मैंने किया है। फिर तुम गुनहगार कैसे हो सकती हो? मधु, हमारा सारा प्लान कामयाब हो गया है, और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेत के गरौंदे की तरह गिराना चाहती हो। अगर तुमने हमारी साजिश का भांडा फोड़ दिया तो हम सब बुरी तरह से फंस जाएंगे, और नंदा फैमिली की जो दौलत अब तक तुम्हारे नाम है वो सरकार के नाम हो जाएगी। वो फिर क्या कहते हैं, वो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए मधु प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स मधु। शट अप, शट अप। तुम्हारे पति की हत्या तुमने नहीं, मैंने की।
और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे ससुर का खून भी मैंने किया। फिर तुम गुनेगार कैसे हो सकती हो? मधु, हमारा सारा प्लान कामयाब हो गया है और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेत के गरौंदे की तरह गिराना चाहती हो। अगर तुमने हमारी साजिश का भांडा फोड़ दिया तो हम सब पूरी तरह से फंस जाएंगे और नंदा फैमिली की जो दौलत अब तक तुम्हारे नाम है वो सरकार के नाम हो जाएगी। वो फिर क्या कहते हैं, वो धोबी का कुत्ता न घर का न खाट का, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए मधु प्लीज रिलैक्स। रिलैक्स अर्जुन? हाँ मैं अर्जुन। अर्जुन वो क्या कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दौलत हासिल करने के लिए हाथों में दौलत की लकीर होनी चाहिए सागर। मतलब तुम्हारी मौत एक नाटक था। एक नाटक तुमने खेला, एक नाटक हमने खेला। तो तुम दोनों जिंदा हो। सत्य कभी नहीं मरता। तुम सबने इतने सारे लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल किया है, अपने मुजरिम होने का सबूत दिया है, वो देखो। तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे ससुर का खून भी मैंने किया है, फिर तुम गुनेगार कैसे हो सकती हो? मधु, हमारा सारा प्लान कामयाब हो गया है और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेत के गरौंदे की तरह गिराना चाहती हो। देखा सागर, इसी सबूत को हासिल करने के लिए तो हमने ये ड्रामा किया, वरना मुझे तो तुम्हारे प्लान के बारे में उसी वक्त पता लग गया था जब मैं भाभी से मिलने घर गया था। हाँ सागर, जिस दिन अर्जुन को टेप मिली थी वो तुम्हें जान से मारने के लिए घर से निकला। तुम्हें खबरदार करने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम्हारा फोन इंगेज था, इसलिए मैंने पूजा को फोन किया। हेलो। ताकि वो अर्जुन को तुम्हारे घर आने से रोक सके। फिर तुम्हें सब कुछ बताने के लिए मैं तुम्हारे घर पहुंची, लेकिन जब मैं वहां पहुंची। इसका मतलब कि सारी दौलत सिर्फ हम दोनों में बटेगी। हाँ, अर्जुन की मौत के बाद प्रॉपर्टी के सारे कागजात पर उसके दस्तखत लेने के बाद हम मधु और उसकी बहन दोनों को खत्म कर देंगे। और उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि चाहे मेरी बहन रहे या ना रहे, मैं अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगी। इसलिए मैंने अर्जुन को घर बुलाया। और अर्जुन, सिर्फ अंजलि ही नहीं, सागर की इस साजिश का एक मोहरा मैं भी हूं और निलेश भी इस साजिश में शामिल है। निलेश भी साजिश का हिस्सेदार है। क्यों? क्यों? लेकिन पहले तो मुझे पुलिस कमिश्नर के पास ले चल। मुझे पुलिस कमिश्नर के पास ले चल। तो मधु, ये है तुम्हारी बहन जिसकी जान बचाए रखने के लिए तुमने सागर और डॉक्टर नीलेश का साथ दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करना, हम इस बच्ची को उनके कैद से छोड़ा लेंगे। और अर्जुन, तुमने उन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए जो प्लान बनाया है उसमें पुलिस तुम्हारा पूरा पूरा साथ देगी। थैंक यू सर। मिस्टर पांडे, इससे पहले कि सागर और नीलेश की गोलियां अर्जुन को अपना निशाना बनाए, तुम्हें अर्जुन को अपनी नकली गोलियों का निशाना बनाना होगा ताकि ये उन सब के सामने अपनी मौत का ढोंग कर सके। राइट सर। तुम लोगों ने भाभी को मोहरा बनाकर चाल तो बहुत अच्छी चली, मगर तुम्हारा ही मोहरा तुम्हें मात दे गया। हमारी रानी हमें धोखा दे गई, हम राजा नहीं बन सकते, लेकिन एक और प्यादा है हमारे पास। उधर देख। हरामजादे, इसी नन्ही सी जान को मौत की नौक पर रखकर तू अपना खेल खेलता रहा ना। सागर, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके थे, इसलिए हमने अर्जुन को सपोर्ट किया और उसकी मौत का ढोंग रचाया। हेलो, गेट रेडी क्विक। ओके। अर्ज क्या है? फोकट का हलवा खाने चले थे, बाबा का माल समझ के उड़ाने चले थे। ऐसी पड़ी लात हो गए खड़ी खाट, अब जूते पड़ेंगे 360। तुम दोनों आपस में ले लो, बांट बांट बांट, आधा बरसे आधा बरसे आधा बरसे आधा बरसे। Yeah!
नहीं चला। जल्दी अरे साजिद हीरो को बुलाओ शॉट रेडी है। सर ये शॉट डुप्लीकेट से नहीं होता है। डुप्लीकेट नहीं, मैं अपने सब शॉट्स खुद देता हूं। अरे संभाल कान संभाल। हट जाओ, मैं आ रहा हूं, हट जाओ। अरे हीरो रेडी, अब शॉट कैसे होगा? अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी शूटिंग्स में छोटे छोटे ग्लास टूटते ही रहते हैं, फिक्र मत करो, हमारी पिक्चर सुपर हिट है। दूसरा ग्लास रेडी है? थोड़ी देर में आ जाएगा सर। ठीक है, मुझे बुला लेना, मैं जरा हीरोइन के साथ बैठा। हाँ देखना दरवाजा खटखटा गया ना। अच्छा। अरे क्यों मार रहे हो यार, मैं प्रोडक्शन वाला हूँ, मुझे मत मारो, मैं आपका भाई हूँ। अरे क्या करते आप लोगों ने, कपड़े फाड़ दिए? अरे कपड़ों में क्या रखा है, इसकी ऐसी की तैसी नहीं पता लगता है। अर्जुन मैं आ रहा हूँ। क्या करता है? तो शॉट रेडी है, तैयार होके आ जाइए। ठीक है मैम। अरे मोदी भाई कहां से आ गए? कट कट कट। ये शूटिंग चल रही है, तुन्ना तुन्ना, पहले मोटरसाइकिल फिर साइकिल, अरे ये सब अरेंज कर लो, तब तक मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ। ओके ये उसी का आदमी है, घेर लो, पकड़ लो इसको, दबा दो, छोड़ा नहीं, मारो इसको भाई। अरे क्या, ये उसी का आदमी है जिसने शूटिंग खराब कर दी। अरे मारो मुझे, कुत्ते की तरह मारोगे? अरे भाई कपड़े मत छोड़ो, कपड़े मत छोड़ो, मेरे भाई मेरी बात सुनो। अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो मेरे भाई, नारी छोड़। अबे घोड़ों में बैठ के गधों जैसी हरकतें करते हो, कपड़े उतार लिए? अरे कपड़ों में रखा क्या है? अर्जुन मैं आ रहा हूं। टकल कहां है? डर मत। हेलो, एयरक्राफ्ट तैयार रखो, हम लोग आ रहे हैं। ओके ओके ओके। Arjun!
का ख्याल रखो। अर्जुन, मैं आ रहा हूं। ये सामान पकड़। तेरी जगह यहाँ, ये कोने में चल, ये आ जा। न उठाता ऊपर हाथ तो खड़ी हो जाती तेरी खाट। वैसे ऊपर जाके भी पड़ते जूते पूरे 360। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ अपने साथ। चलो चल। थैंक यू। वेलकम। जाने जाना मैं दीवाना, तूने मेरा कहना माना, धड़कन को पहचाना मेरी जानम। मेरा दिल आवारा बादल बन गया, तेरी आंख का काजल चाहत में है पागल मेरी जानम। जी करता है मैं चिल्लाओ, सारी दुनिया को बदलाओ, मिल गया मुझको दिलबर मेरी जानम। कोई देखे या ना देखे, देख रही है धरती सारी, देख रहा है अंबर मेरी जानम। सोचा न था, जाना न था, चाहत में है इतना असर होने लगा, बेचैन मैं होने लगी, तू बेखबर। जाना मेरे